الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سامعين مكرم برادران الإسلام عزيز ساتھیو گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں رحمت عالم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے سلسلے میں ہجرت کے چھٹے سال کے حالات بیان کرنا شروع کیے تھے چھٹے سال میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے بھیجے وہ لشکر جس میں حضور جنگ کے لیے خود تشریف لے جائے اسے غزوہ کہا جاتا ہے اور
जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजें लेकिन खुद तशरीफ न ले जाएं उसको सरिया कहा जाता है। इस वजरे में बहुत से सराया, इस साल में बहुत से सराया हुए। सीरत की किताबों में उनका तज़किरा मौजूद है। और एक बड़ा गजवा जो ज़ुल्क़ादा सन 6 हिजरी में पेश आया, जिसके नतीजे में मुश्रिकीन मक्का के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुई, जिसे सुलह हुदैबिया कहते हैं। आज की मजलिस में इसका जिक्र किया जाएगा। ये सुलह ग़लबे इस्लाम का जरिया बनी। अल्लाह ने इस सुलह को फतह मुबीन फरमाया। ये फतह मुबीन है। बज़ाहिर ये सुलह दब कर की गई, जैसे आगे मैं अर्ज करूंगा, लेकिन इसके नताइज ये निकले कि ये फतह मुबीन बनी, फतह मक्का का जरिया बनी। अल्लाह ने जब ये सुलह हो गई तो ये आयात उतारी थी, इन्ना फतहना लक फतह मुबीना, और इसके नतीजे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 साल 2.5 साल के अरसे बाद, जब मुश्रिकीन मुआहदा तोड़ चुके थे, सुलह तोड़ चुके थे, मक्के को फतह फरमाया। ऐसी अजीम शान सुलह उमरतुल हुदैबिया, या इसको ग़ज़वा हुदैबिया भी कहते। इब्तिदा यूं हुई कि शब्बाल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, और मैं बारहा अर्ज कर चुका हूं, नबी का ख्वाब अल्लाह का हुक्म होता है, वही होता है, सच्चा होता है। वही की एक किस्म सच्चे ख्वाब है। आपने ख्वाब देखा कि आप हालत एहराम में मक्का मुकर्मा में दाखिल हुए, बैतुल्लाह का तवाफ किया, उमरा अदा फरमाया, आपके साथ आपके सहाबा भी थे, कुछ ने सर मुंडवाए हल्क करवाया, कुछ ने सर के बाल कुतरवाए। आपने ये ख्वाब सहाबा को सुनाया, बयान फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि हम उमरा करेंगे, हम बैतुल्लाह जाएंगे, हम तवाफ करेंगे, अल्लाह के घर में जाना होगा। मुहाजिरीन तो अपना वतन छोड़कर हुजूर की मोहब्बत में मदीना आए थे, बैतुल्लाह की मोहब्बत ये सुनकर जाग गई, जोश और बलबले में आ गए कि उमरा करने जाना है। एक अरसे से अल्लाह का घर नहीं देखा, अल्लाह का घर देखेंगे, एक अरसे से तवाफ नहीं किया, तवाफ करेंगे। अंसार भी तैयार हो गए, हुजूर भी तैयार हो गए। इसे अल्लाह का हुक्म समझा। ये अलग बात है कि ये ख्वाब उसकी जो टाइमिंग थी, उसका जो वक्त था, वो अल्लाह की तरफ से इस साल नहीं था, अगले साल था। हुजूर ने इस साल समझा, तैयार हो गए सारे। लेकिन हुजूर पाक ये चाहते थे कि हम अकेले ना जाएं, बड़ी जमात के साथ जाएं, ताकि अगर मुश्रिकीन मक्का, जिनसे एक अरसे से जंग है, जिदाल है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, अभी ग़ज़वा अहज़ाब हुआ है और कई मारके हुए हैं, अगर वो हम पर हमला करें तो हमारी एक बड़ी ताकत होनी चाहिए ना। तो आप मदीना के इर्द गिर्द जो देहात थे, आपने वहां भी पैगाम भेजा, लोगों हमारे साथ चलो, हम जा रहे हैं बैतुल्लाह, हमारे साथ चलो। इसलिए आप फौरी नहीं निकले, आपने वो इंतजार फरमाया, लोग आ जाएं,
एक बड़ा लश्कर बना के जाएं। चुनाचे बुसर नामी एक शख्स आए, बुसर इब्ने अबी सुफियान, उनसे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मियां तुम हमारे साथ चलो, हम अल्लाह के घर का तवाफ करेंगे, तुम हमारे साथ चलो। उन्होंने ऊंटनियां तैयार की और हुजूर की बात मानी, कहा मैं आपके साथ चलूं। यकुम ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्क़ादा की पहली तारीख अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का की तरफ कूच फरमाया। 1450 या 1500 सहाबा आपके साथ थे, इनमें मुहाजिरीन भी थे, इनमें अंसार भी थे। मदीना पे आपने हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को वाली बनाया, अपना खलीफा बनाया, मुतवल्ली बनाया। या बाद रिवायात में आता है नुमेला नामी सहाबी को आपने अपना नाइब बनाया और सफर शुरू किया। घर तशरीफ ले गए, गुस्ल फरमाया, धुले हुए कपड़े पहने, आपकी ऊंटनी मुबारक जिसका नाम कसवा था वो लाई गई घर से बाहर। आपने अपने हमरा इस सफर में अपनी अजवाज मुताहरात में से सय्यदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को साथ लिया। आप बारी बारी अपनी हर जौजा को या कुरा अंदाजी के साथ हर जौजा को सफर में साथ ले जाया करते थे। तो सय्यदा उम्मे सलमा को इस सफर में आपने साथ लिया और कसवा ऊंटनी पर सवार हुए। सोमवार का दिन था, ज़ुल्क़ादा सन 6 हिजरी की पहली तारीख थी। काफले में मर्द थे लेकिन चंद औरतें भी साथ थी, जिनमें उम्मुल मुमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे मनी रज़ियल्लाहु अन्हा, अस्मा बिन्ते आमर रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे आमिर रज़ियल्लाहु अन्हा, ये चंद औरतें भी साथ थी। ज्यादा मर्द थे, 1450 की कुल तादाद थी या 1500 की कुल तादाद थी। आपने फरमाया हथियार न ले चलो, हम जंग के लिए नहीं जा रहे, उम्रे के लिए जा रहे, ताकि दुनिया को पता चले कि हम मक्के वालों से लड़ने नहीं जा रहे, हम अल्लाह के घर की जियारत और बैतुल्लाह के तवाफ की नीयत से जा रहे हैं, सिर्फ तलवारें साथ ली जाएं और वो भी नियाम में बंद हो, जंगी हालत में नहीं जाना, हाजियों की शक्ल में जाना है, मोतमरीन की शक्ल में जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर से पहले घर से निकले ज़ुल्हुलैफा, जहां आज मस्जिद अली है, इसे बीर अली भी कहते हैं, जहां से मदीने वाले एहराम पहनकर मक्के आते हैं, ये मीकात है अहले मदीना का। मदीने वालों को यहीं से एहराम बांधने का हुक्म, और ये मीकात हुजूर ने मुकर्रर की है। وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل المدينة ذل حلیفہ, हुजूर ने मदीने वालों के लिए ज़ुल हुलैफा को मीकात बनाया। एक मीकात ज़ुल हुलैफा है, एक मीकात जुहफा है, एक मीकात करने मनाजिल है, एक मीकात यलमलम है। हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों का मीकात, जहां से आगे बगैर एहराम के जाना हरम में बैतुल्ला में जायज नहीं है, वो यलमलम है। हमारा जहाज यलमलम के ऊपर से गुजरता है।
तो आपने मुख्तलिफ मीकात बयान किए। तो मदीने वालों का ये मीकात है, मकाम ज़ुल्हुलैफा, ज़ुल्हुलैफा जगह का नाम है, और वहां पर आज मस्जिद बनी हुई है, इसको मस्जिद आली कहते हैं। सारी दुनिया यहीं से एहराम बांधती है, आप में से जिस जिसने उम्र किया है उसे पता है। आप यहां तशरीफ लाए, जोहर की नमाज अदा फरमाई, फिर दो रकात नमाज नफिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम की अदा फरमाए, लेकिन एहराम से पहले आप अलैहि सलाम ने कुर्बानी के जानवर मंगवाए, 70 ऊंट अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के कुर्बानी के लिए लाए गए। वो कुर्बानी जो हरम में की जाए उसकी शान ही बड़ी, उसकी बड़ी फजीलत। ये वो कुर्बानी नहीं है जो हम ईद उज़ुहा में करते, ये अल्लाह के कुर्ब के लिए वैसे ही कुर्बानियां की जाए। मां 70 ऊंट थे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो वहीं से जाकर जानवर खरीदते, अरब में रिवाज था घरों से लेके जाते थे। और ये जो कुर्बानी के जानवर हैं, ऊंट को बदना कहा जाता है, कुरान में भी इसका जिक्र है, वल बदना जअलना आलकुम, और अगर बकरी हो तो इसे हद ही कहा जाता है, इसकी ताजीम का हुक्म है। या अय्युह अल्लज़ीन आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह वलल हदिया वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम। कुरान ने हाजी का भी जिक्र किया, हाजी की कुर्बानियों का भी जिक्र किया, हाजी के एहतराम का भी हुक्म दिया, उमरा करने वाले के एहतराम का हुक्म दिया, और उमरा करने वालों के जानवरों के एहतराम का हुक्म दिया। ईमान वालों, अल्लाह के शायर की हुरमत और इज्जत को पामाल न करो। वलल हदिया वलल क़लाइद, हदी का जानवर जो हरम में कुर्बानी के लिए जा रहा है, वलल क़लाइद वला ज़ातल क़लाइद, और वो जानवर जिसके गर्दन में हार है जो निशानी है इस बात की कि इसने हरम में ज़िबा होना है, इनकी हुरमतों को पामाल न करो। वला आमीनल बैतल हराम, और जो बैतुल्लाह के इरादे से जा रहा है, कस से जा रहा है, उसका भी एहतराम करो, उसकी हुरमत को पामाल ना करो। इसलिए हाजी की तादीम वाजिब है, खास तौर पर जो एहराम की हालत में है। इसलिए वहां अब तक ये रहा, सऊदीया में लोग भी हाजी का एहतराम करते रहे, हुकूमत की तरफ से भी सख्ती थी कि किसी हाजी के साथ किसी ने बदतमीजी नहीं करनी। अब दुनिया की मोहब्बत का गलबा है, वहां खड़े हुए पुलिस वाले भी बदतमीजी करते हैं हाजियों के साथ, औरतों के साथ, मैंने देखा। अल्लाह इनको हिदायत दे। मेरे सामने एक औरत को मारा एक पुलिस वाले, हाथ उठाया, गरेबान पकड़ लेते हैं हाजियों को, इसकी शरानी इजाजत नहीं है। आपके लिए 70 ऊंट लाए गए, आपने दो काम किए, कुर्बानी के जानवर को निशानी लगाई जाती थी ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ये आम जानवर नहीं है, कुर्बानी का जानवर है। एक हार पहनाया जाता था, और वो हार उस जमाने में जूते का पहनाया जाता, एक एक जूता गले में लटका दिया, आपने खुद लटकाया। और दूसरा, ऊंटों को शियार किया जाता था, उनकी कुहान पर हल्का सा चीर लगा दिया जाता था, उससे हल्का सा खून निकल आता, हर किसी को पता चलता था यह कुर्बानी का जानवर। चंद ऊंटों का शियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, और बाकियों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी नाहिया बिन जुंदुब उन्होंने किया। आपने एहराम पहना और ऊंटनी पे सवार हुए और तलबिया पे पड़ा,
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. احرام کی نیت سے جب یہ تلبیہ پڑھ لیا تو بس محرم ہو گئے, احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. بہت سے مسلمانوں نے بھی احرام پہن لیا, اکثروں کو اکثر حالت احرام میں تھے, چند ایک حالت احرام میں نہیں بھی تھے. خدمت کے لیے بھی کئی بندے چاہیے ہوتے ہیں, احرام والے پر تو پابندیاں. چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احرام نہیں تھا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر احرام کے تھے, اور بھی کچھ صحابہ بغیر احرام کے. آپ چل پڑے مقام بیضا کے راستے, آپ روانہ ہوئے, اور جو قبائل تھے راستے میں, ایک قبیلے کا نام تھا جوہینا, ایک کا نام تھا بنی بکر, ایک کا نام تھا مزینہ. آپ نے ان سے کہا میاں تم بھی ہمارے ساتھ چلو عمرے کے لیے. ان میں بہت سے ایسے تھے جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھنے والے تھے, منافق تھے. یہ آپس میں کہنے لگے انہوں نے تو زندہ واپس کوئی نہیں آنا, ہم کیوں جائیں, یہ کہاں زندہ واپس آئیں گے. دشمنوں کے علاقے میں جا رہے ہیں, مشرکین مکہ کے پاس جا رہے ہیں, ہتھیار کوئی نہیں, اسلحہ کوئی نہیں, صرف ایک ایک تلوار, وہ بھی نیام میں. ان کو کہاں وہ زندہ چھوڑیں گے, کہاں ان کو واپس آنے دیں گے, یہ قتل ہوں گے. لہذا ہم کوئی بھولے نہیں ہیں, احمق نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جائیں. انہوں نے جانے سے انکار کر دیا, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام 1450 صحابہ کے ساتھ آپ نے سفر جاری رکھا ہوا. حالت احرام کے اپنے احکام ہیں. آپ حالت احرام میں ہیں تو شکار نہیں کر سکتے, خشکی کا شکار اللہ نے منع فرمایا. تم پر خشکی کا شکار حرام ہے. ما دم تم حرما, جب تک حالت احرام میں. سمندری شکار حلال. صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ جنگل ہے, جنگل کا راستہ ہے, شکار عام ہے, ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شکار کا حکم ارشاد فرمایا, فرمایا کلو کل صید البر, کلو کل صید البر لکم حلال الا ما صدتم او صید لکم. جو شکار کسی اور نے تمہارے لیے کیا ہو, تم نے نہ کہا ہو, کسی اور نے ویسے شکار کیا, وہ تو حلال ہے. لیکن اگر تم نے خود شکار کیا یا شکار کروایا کسی کو کہہ کر, اشارے کے ساتھ یا کنائے کے ساتھ یا صراحت کے ساتھ, وہ شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے. کسی نے اپنے لیے شکار کیا اور محرم کو دے دیا تو کوئی حرج نہیں. چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ حدیث کی کتابوں میں مشہور واقعہ ہے, کہ سب لوگ حالت احرام میں تھے, میں احرام کی حالت میں نہیں تھا, میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو حالت احرام میں ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں. اچانک میری نظر پڑی تو سامنے ایک حمار وحشی وہ جا رہا تھا. حمار وحشی حلال ہے, یہ گدھا گھریلو یہ حلال نہیں, یہ حرام ہے. حضور نے غزوہ خیبر میں اس کی حرمت کا اور متے کی حرمت کا اکٹھے اعلان کیا, متا بھی حرام, گھریلو گدا بھی حرام, لیکن وحشی گدا, بکر وحشی جسے کہتے ہیں, یہ حلال ہے, بہترین شکار ہے. میں نے دیکھا وہ جا رہا ہے تو میں دوڑ پڑا. دوڑا کیا, میں نے چھلانگ لگائی, گھوڑے پر بیٹھا اور شکار کرنے کے لیے دوڑ پڑا, لیکن مجھے اپنا کوڑا اٹھانا بھول گیا. تو میں نے ان صحابہ سے کہا میاں ناولونی, میرا کوڑا تو مجھے دے دو, میرا کوڑا تو مجھے دے دو. کسی ایک نے مجھے کوڑا نہیں دیا, اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا, نہ تم نے شکار کرنا ہے نہ کروانا ہے, نہ شکار میں کسی کے ساتھ مدد کرنی ہے.
उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मैं जल्दी से नीचे उतरा, फिर कोड़ा उठाया, फिर छलांग लगा के घोड़े पे बैठा, फिर शिकार के पीछे भागा, फिर उसे कोड़ा मारा, मैंने शिकार कर लिया। शिकार करके मैं ले आया, मैंने कहा वेलकुम, और तुम हलाक हो, अब तो खाओ ना। तो शिकार खाया साहब, फरमाया मैंने उसकी रान बचा ली। कुछ साहब ने कहा हम हुजूर से पूछेंगे ये हमारे लिए हलाल भी है कि नहीं, तू शिकार करके लाया हमारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे थे, हम हुजूर तक पहुंचे, हुजूर से मसला पूछा, हुजूर ने फरमाया तुमने शिकार की निशानदही की थी, साहब ने कहा नहीं, शिकार में मदद की थी, साहब ने फरमाया नहीं, आना फिर खाओ, हलाल है तुम्हारे, कुछ बचा के लाए हो। या रसूल अल्लाह एक रान हमारे पास मौजूद है। अबू कतादा ने हुजूर को वो रान पेश की, हुजूर ने कबूल फरमाई। ये भी इसी सफर का वाक है। मकाम बौदान पर मुसअब बिन जुसामा रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं, उनके वो भी बकरे वाशी का शिकार करके लाए, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया पेश किया, आपने वो हदिया भी कबूल फरमाया। एक साहबी है अय्मा बिन रफ़ा गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो और उनका बेटा ये भी रास्ते में मिले, इन्होंने हुजूर को 100 बकरियों और 2 ऊंटों का गिफ्ट पेश किया, आपने ये भी कबूल फरमाया। साहबे किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया पेश फरमाते थे, और हुजूर क्या बसर औकात हदाया पर था, आप खुद भी इस्तेमाल फरमाते थे, सहाबा में तकसीम भी फरमा दे। एक एक सहाबी अब देखो ना, 100-100 बकरियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर रहे। रास्ते में एक सहाबी हैं काब इब्ने आजूरा, उनके सर में तकलीफ शुरू हो गई, जू पड़े हुए थे और जू गिर रहे थे और सर में बहुत ज्यादा खारिश और तकलीफ हो गई। अब हालत एहराम में न जुए मारना जायज, न हजामत करवाना जायज, न बाल कटवाना जायज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इस सहाबी की वास्ते से उम्मत को एक मसला और सहूलत मिलनी थी, अल्लाह ने यह वाकया करवाया। या रसूल ये सूरत हाल है, अयुदी का हवाओं का, ये तेरे जू तुझे तकलीफ दे रही हैं। जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं, हूं मैं हालत एहराम में, तकादा बाल मुंडवाने का है, तकादा हल्क करवाने का है, तकादा सर साफ करवाने का है। इस मौके पे अल्लाह ने कुरान करीम की आयत उतारी, कुरान उतरा فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ। ये उम्मत को इस सहाबी की मार्फत मसला मिल गया, हालत एहराम में बीमार हो गए और सर में तकलीफ है, अब सर मुड़वाओ लेकिन साथ 3 काम करो। कुरान कहता है वो 3 काम कौन से हैं, फ़फिदियतुम मिन सियामिन 3 रोजे रखो, औ सदाकातिन 1 फरक गल्ला सदका करो 6 मिस्किनों पर, औ नुसुक या 1 कुर्बानी करो, ये इसके जुर्माने में तुम्हें 3 में से 1 काम करना पड़ेंगे। हुज़ूर अली सलाम ने सहाबी को हुक्म दिया और चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में आपके जासूस मिले, आपने एक जासूस मक्के भेज दिया, बिशर इब्ने सुफियान, फरमाया बताओ हमारी आमद का मुश्रिकीन मक्का को पता चला है, उनका क्या रद्द अमल है। फरमाया या रसूल अल्लाह मुश्रिकीन मक्का को पता चल चुका है, और बड़े अजीब तरीके से पता चला। कहते हैं मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, जबल अबी कुबैस के ऊपर से आवाज आई, किसी आवाज देने वाले ने आवाज लगाई, दरअसल ये आवाज देने वाला हातिफ था, जिन था।
उसने कहा लोगों तैयार कर लो, तैयारी कर लो, जंग की तैयारी कर लो। मोहम्मद अपने साथियों के साथ मक्के में आ रही, जिनों में भी मुसलमान है, जिनों में भी काफिर है। ये काफिर जिन था, इसने मुशरिकीन ने मक्का को पहले बरंगेख्ता के कर लिया कि तुम तैयारी करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आ रहे हैं, ये आवाज आनी थी मक्का में, तो जलजला बर्पा हो गया। फौरन मुशरिकीन मक्का इकट्ठे हो गए, मीटिंग बुलाई गई और सब ने ये मुत्तफिका फैसला किया है कि हम मर जाएंगे, भिड़ जाएंगे, मोहम्मद और उनके साथियों को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक शैतान है, जिस जो बुतों का शैतान है, बुतों का सल्फहा, सुल्फहा इसका नाम है। यूशिकु अन यक्तुलहुल्लाह, इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है, शैतानुम शैतानुल अस्नाम, बुतों के इस शैतान को अल्लाह मार डालेगा। अभी हुजूर ने यह बात फरमाई ही थी कि एक पहाड़ के ऊपर से आवाज आई, अल्लाह ने इस शैतान सुल्फहा को कत्ल कर दिया है, और हुजूर मक्का में दाखिल होकर रहे। बहरहाल मुशरिकीन ने मक्का को इत्तला मिल गई, उन्होंने फौरी तैयारी की कि हुजूर को मक्का में नहीं घुसने देना, नहीं दाखिल होने देना। खालिद इब्ने वलीद ने 200 घोड़े और शाह सवार लिए और कुराए गमीम मक्का मुकरमा से बाहर इस मकाम पर आकर ठहर गए। हबशियों को बुलाया गया, हबशियों को कि तुम आओ हमारा साथ दो। एक बड़ी तादाद में हबशी और बनू सकीफ के लोग मकाम बलदाह पर आ गए और उन्होंने खेमे लगा दिए, बच्चों को ले आए, औरतों को ले आए, पानी के बड़े बड़े चश्मों पर आकर उन्होंने लंबा अरसा क़याम का फैसला किया कि हमें यहाँ 6 महीने रुकना पड़ा, साल रुकना पड़ा, हम रुकेंगे और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम घुसने नहीं देंगे, मक्का दाखिल नहीं होने देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने को जब ये पता चला तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया या वैहा कुरैश कद अकलतहुमुल हर्ब, आए अफसोस कुरैशियों को जंगे तो खा चुकी है, जंगे लड़ लड़ कर ये कमजोर हो चुके, खा चुके, खाए जा चुके, खत्म हो चुके। ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب, ये कुरैशियों क्या है अगर ये कुछ अरसे के लिए मुझे और बाकी अरब को गैर जानबदार छोड़ दें, मेरा रास्ता ना रोके, मैं जानू बाकी अरब जाने। एक मौके पे आपने फरमाया बाकी अरब की तादाद तो इनसे ज्यादा है, मुझे और उनको छोड़ दें, अगर वो गालिब आ गए तो इनका मकसद पूरा हो जाएगा, हम शिकस्त खा जाएंगे, और अगर हम गालिब आ गए तो इनको इज्जत मिलेगी, ये इज्जत के साथ इस्लाम में दाखिल हो जाएं, और अगर नहीं दाखिल होना चाहते तो फिर तैयारी के साथ हमसे जंग करें, ये क्यों मेरा रास्ता रोकते हैं। और फिर फरमाया अल्लाह की कसम मैं इनसे लड़ता रहूंगा हत्ता कि या मैं मक्का में दाखिल होऊंगा या मेरी गर्दन कट जाएगी, मेरी गर्दन तन से जुदा हो जाएगी, अल्लाह का हुक्म पूरा करूंगा मैं, अल्लाह के अहकाम को पूरा करूंगा मैं। और आप चलते रहे, चलते चलते आप खालिद इब्ने वलीद के मकाम के करीब तक पहुंच गए, कुराए गमीम के करीब तक पहुंच गए, सामने खालिद नजर आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा से मशवरा लो क्या करें, दो सूरतें,
एक सूरत यह है कि ये जो लोग हमारा रास्ता रोकने के लिए आए हैं, कबाइल के लोग, हम इनके घरों पे हमला कर दें, इनके बचे खुचे लोगों और इनके औरतों से जंग करें। दूसरी सूरत यह है कि हम चलते रहे, हम मक्का के लिए चले हैं, हम चलते रहे और जो रास्ते में हमें रोकेगा हम उससे भिड़ जाएं, जंग करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम जंग के लिए तो निकले ही नहीं, लिहाजा हमें बैतुल्ला जाना चाहिए, जो रोकेगा देखा जाएगा। उसैद इब्ने हुदैर ने भी फरमाया, बिल्कुल हजरत यही मामला, आप चले। आगे पहुंचे, सामने खालिद बिन वलीद और उनके घोड़े नजर आ रहे थे, नमाज ज़ुहर का वक़्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से यह फरमाया, अब्बाद इब्ने बिशर से, कि तुम एक सफ लेकर लश्कर की सामने खड़े हो जाओ, हम नमाज अदा करें। हुजूर ने नमाज ज़ुहर पढ़ाई। खालिद इब्ने वलीद ने फैसला किया कि जो असर की नमाज है वो मुसलमानों को बहुत महबूब है, सुर्ख ऊंटों से भी महबूब है, ये नमाज पढ़ेंगे हम इन पे हमला कर देंगे, नमाज के दौरान ही हम हमला कर देंगे। अल्लाह ने अपने नबी को सलातुल खौफ अता की। बाद रिवायात के मुताबिक सलातुल खौफ इस सफर में उतरी, बाद रिवायात के मुताबिक सलातुल खौफ और गजबे में उतरी। बहरहाल अल्लाह का हुक्म आ गया, إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك। मेरे नबी जब खतरा हो तो आप अपनी जमात को तकसीम कर ले, एक जमात को अपने साथ मिलाकर आप एक रकात उनको पढ़ाए, वो एक रकात पढ़ के दुश्मन के मुकाबले में चली जाए, दूसरी जमात आ जाए वो आपके साथ एक रकात पढ़े और वो फिर एक रकात पढ़ के दुश्मन के मुकाबले में चली जाए, फिर पहली जमात अपनी नमाज को पूरा करे, फिर वो दुश्मन के मुकाबले में चली जाए, फिर दूसरी जमात अपनी नमाज को पूरा करे। ये सलातुल खौफ है, नमाज माफ नहीं है, दुश्मन का डर भी है, इस तरह नमाज पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर। फाइन खिफ्तुम फरिजालन अव रुकबाना, एन मैदान जंग में हो खड़े खड़े नमाज पढ़ लो, अगर दुश्मन का खतरा, रुकू सजदे के बगैर पढ़ लो, हालत उजर में हालत खौफ में माफ नहीं है, सवारी पे पढ़ लो माफ नहीं है नमाज, नमाज किसी हाल में माफ नहीं। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने असर पड़ी और फिर बजाय खून रेवी के रास्ते के आपने अमन के रास्ते को तरजीह दी, आपने रास्ता बदल लिया, फरमाया दाईं तरफ चलो, हम हुदैबिया की तरफ चलते हैं, वहां से हम मक्का में दाखिल होंगे, यहां से खालिद बिन वलीद जंग के लिए तैयार खड़ा है। सनीए ज़ातुल हंजल की तरफ आपने सफर किया, बाद रिवायात में आता रात भर आप सफर करते रहे, पहाड़ों पे चढ़ते रहे उतरते रहे, हुदैबिया में पहुंच गए। हुदैबिया में पहुंचे, सख्त गर्मी थी, ये एक जगह का नाम है, मक्का के करीब है, तनाइम से आगे है हुदैबिया, जो लोग हज उमरा करते हैं आजकल इसका नाम शमसिया भी है वो जानते हैं, बोर्ड लगा हुआ है। यहां तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और जब यहां पहुंचे हुजूर अलैहिस्सलाम, साहबा ने शिकायत की, या रसूलल्लाह एक यहां गड़ा है उसमें थोड़ा सा पानी था, वो लोगों ने खींच लिया, पानी नहीं है, 1450 का लश्कर है, पानी नहीं है, क्या करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने अपने तरकश से तीर खींचा, फरमाया ये तीर जाकर तुम इस गढ़े में गाड़ दो। साहबा ने हुजूर का वो तीर गढ़े में जाके गाड़ा तो उसे फर 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 पानी के चश्मे फूटने लग गए। सुभानल्लाह, नहीं कहा आपने, पानी जोश मारने लगा, हुजूर का ये मौजज़ा जाहिर हुआ। एक कुआं था यहां, उसका पानी खुश्क हो चुका था, पानी की जरूरत बाकी थी,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने अर्ज किया, हजरत पानी नहीं है। आपने फरमाया थोड़ा बहुत पानी ले आओ। सहाबा पानी लाए, आपने वुजू फरमाया और फरमाया ये जो मेरा वुजू का पानी है ये पानी ले जाओ, और कुल्ली फरमाई, फरमाया मेरा ये कुल्ली वाला पानी ले जाओ, कुएं में डाल दो। सहाबा ने हुजूर के वुजू का बचा हुआ पानी, अल्लाह के नबी के आज़ा का धुअन, और वो पानी जिससे आपने आज़ा धोए वो मुबारक इतना था, इतनी बरकत वाला कुल्ली मुबारक का पानी, इतनी बरकत वाला, उसको जाकर कुएं में डाला तो फरफर कुएं में पानी जोश मारते 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 मुढ़ेर तक पानी भर गया। पानी मुढ़ेर तक भर गया, यह भी इसी जगह का वाकया है, हुजूर का मौजजा। इसी तरह बुखारी के अंदर एक वाकया है कि सहाबा ने जब पानी की शिकायत की, आपने एक प्याला मंगवाया, पानी नहीं है। जाहिर है 1450 का लश्कर, गुस्ल भी करना है, पानी पीना भी है और वुजू भी करना है। असर की नमाज का वक्त था, नमाज के लिए पानी ने वुजू करना था, पानी नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, प्याला मंगवाया, बड़ा प्याला मंगवाया। तब जितना प्याला मंगवाया उसमें आपने अपनी उंगलियां मुबारक रख दी। सहाबा कहते हैं हमने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के चश्मे फूट पड़े। सबने पानी पिया, वुजू किया, अपनी हाजतों और जरूरतों को पूरा किया। यहां जब हुजूर पहुंचे तो पहुंचते ही बजाए आगे चलने के आपकी कस्बा उठनी बैठ गई, बैठ गई। अब हल हल ये ऊंट उठाने के लिए कहते हैं, हमारे यहां कहते हुश, अरब में कहते हल हल, ऊंटनी ना उठी। लोगों ने कहा खलातिल कस्वा, खलातिल कस्वा, कस्वा ऊंटनी बैठ गई, कस्वा ऊंटनी बैठ गई। अल्लाह के नबी अली सलाम ने इरशाद फरमाया मा खलातिल कस्वा वलाकिन हबसहा हाबिसुन फी, ये बैठी नहीं है, उस अल्लाह ने इसको रोका है जिसने अबरहा के हाथियों को बैतुल्लाह से रोककर बैतुल्लाह की हुरमत महफूज की थी, वही अल्लाह बैतुल्लाह की हुरमत आज भी महफूज करना चाहता। और फिर कसम उठा के फरमाया अल्लाह की कसम कि आज ये मुश्रिकीन मक्का मुझसे जो हरम की तादीम के लिए मांगेंगे मैं दूंगा। वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यसअलूनी खुत्ततन फीहा तादीम हुरमातिल्लाही इल्ला आतैतुहुम, अल्लाह के घर की हुरमत ताजीम के लिए मुझसे जो ये मुतालबा करेंगे मैं पूरा करूंगा। ये कहा और ऊंटनी को कहा हल हल, ऊंटनी खड़ी हो गई, ऊंटनी खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े। पहले तो एक सहाबी को भेजा कि जाओ तुम मुश्रिकीन मक्का को जाकर बताओ कि हम जंग करने नहीं आए, लड़ने नहीं आए, हम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के घर का तवाफ करने आए हैं, हम जंग करने नहीं आए, लिहाजा तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें मत रोको। ये सहाबी जैसे ही दाखिल हुए तो इस सहाबी को के ऊंट को इकरमा बिन अबी जहल ने शहीद कर मार दिया, कत्ल कर दिया, उसकी टांगें काट दी और टांगें काट कर सहाबी को कत्ल करने का इरादा किया। हिराश इस सहाबी का नाम था, लेकिन लोगों ने रोक दिया, ये वापस आ गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर से फरमाया उमर तुम जाओ, तुम जाकर इनको समझाओ। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ताला ने फरमाया या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं अगर आपका हुक्म है, लेकिन मेरा तो ना वहां कुंबा, ना कबीला, ना खानदान, दुश्मनियां,
वो चिढ़ जाएंगे। मेरा मशवरा ये है कि आप हजरत उस्मान को भेजें, उस्मान का कबीला भी, खानदान भी, रिश्तेदार भी वहां पर मौजूद हैं और उनकी बात को ये लेंगे, सुनेंगे। आपने पसंद फरमाया, बिल्कुल ठीक फरमाया, उस्मान तुम जाओ। दो काम करो जाकर। पहला काम ये करो कि मुश्रिकीन मक्का को जाकर ये बताओ कि तुम जंग कर करके थक चुके हो, कमजोर हो चुके हो, आओ मैं तुम्हें एक टाइम फ्रेम दे देता हूं, उसमें एक दूसरे के लिए अमन हो जाए, मुझे और बाकी अरब को छोड़ दो। दूसरा ये कि हम जंग करने नहीं आए, हमें बैतुल्ला से न रोको, हम तवाफ करने आए। और जाकर वो मुसलमान जो मक्का में कमजोर है, हिजरत नहीं कर सके, मुस्तज़ाफीन है, छुपे हुए हैं, उन्हें जाकर ये पैगाम दो कि सब्र करते रहो, इंशाअल्लाह जल्द अल्लाह मक्का फतह फरमा देंगे। मेरा सलाम दो उन्हें। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे वो दाखिल हुए मक्का में, लोगों ने कहा क्या माजरा है, क्या बात है। हजरत उस्मान ने हुजूर का पैगाम दिया, उन्होंने कहा कोई सूरत नहीं, हम नहीं घुसने देंगे हुजूर अली सलातु वसलाम को मक्का मुकर्रमा में, इस साल हम तवाफ नहीं करने देंगे। हजरत उस्मान आगे गए तो उनके एक रिश्तेदार अबान ने उन्हें पनाह दे दी और हजरत उस्मान जिसके पास भी गुजरे उसको हुजूर का पैगाम दिया और उसने जवाब में शद्दोमद के साथ इनकार किया, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं आने देंगे। हाँ उस्मान तुम चाहो तो जाओ, बैतुल्ला का तवाफ कर लो, तुम्हें इजाजत है, उमरा करने की तुम्हें इजाजत है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अगर हुजूर को इजाजत नहीं तो उस्मान भी कभी तवाफ नहीं करेगा, उस्मान भी कभी उमरा नहीं करेगा। इनकार कर दिया, बिल्कुल इनकार कर दिया। तीन दिन हजरत उस्मान को लग गए मक्का मुकर्रमा, मुस्तज़ाफीन को हुजूर का पैगाम दिया, वो खुश हो गए, उन्होंने कहा हुजूर को हमारा सलाम देना। अरे वक्त आने वाला है कि तुम खुल जाओगे, मक्का फतह हो जाएगा। इधर हुजूर को ये इत्तला मिली कि हजरत उस्मान शहीद हो, और उधर मक्का के कुछ नौजवान, 50 नौजवान मिक्रज नामी एक शख्स की कियादत में आए और रात को हुजूर अली सलाम को कत्ल करना चाहे, शहीद करना चाहे। हुजूर के पहरेदार थे हजरत अबाद इबन बिशर रजी अल्लाह अन्हु, मोहम्मद इबन मसलमा रजी अल्लाह अन्हु जैसे लोग, उन्होंने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तार हो गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्हें गिरफ्तार करो, और उधर हजरत उस्मान की शहादत की खबर आ गई, उस्मान शहीद हो गए। अल्लाह के नबी अली सलातु वसलाम एक दरख्त के नीचे कीकर के एक दरख्त के नीचे बैठ गए, बबोल के एक दरख्त के नीचे बैठ गए और फरमाया लोगों मेरे हाथ पर बैयत करो। ये मौत की बैयत थी कि उस्मान शहीद हो गए, हम उस्मान का बदला लेंगे या फिर हम मौत को कबूल करेंगे। बाज़ साहबा कहते हैं मौत की बैयत, बाज़ कहते हैं जिहाद की बैयत, आपने सबसे बैयत। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से तीन मरतबा बैयत, और हजरत उस्मान के बारे में फरमाया इन्ना उस्मान फी हाजतिल्लाहि व रसूली, उस्मान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के काम से गायब हुए हैं, अगर वो होते तो वो भी बैयत करते, लिहाजा अपना एक हाथ दूसरे हाथ पे रख के फरमाया एक हाथ मेरा और एक हाथ उस्मान का। उस्मान की क्या शान है, हुजूर ने अपना हाथ उस्मान का हाथ करार दिया, अपना हाथ उस्मान का हाथ करार दिया, नीचे हाथ हुजूर का, ऊपर हाथ उस्मान का, और इनके ऊपर हाथ अल्लाह का, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह का हाथ इनके हाथों के ऊपर था। उस्मान की तो ये शान है, उस्मान का तो ये मकाम, बैयत ली हुजूर ने।
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة अल्लाह ने ऐलान कर दिया लकद रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन अल्लाह ईमान वालों से राजी हो गए कौन से इस युवा युवनका तहत शजरा जो आपसे आपके हाथ पर दरख्त के नीचे बैयत कर रहे थे इसलिए हुजूर ने फरमाया जिन्होंने मेरे हाथ में बैयत की इन्नकुम खैरु अहलिल अर्ज तुम रूए अर्ज के सबसे बेहतरीन लोगों सबसे अफजल तरीन लोगों और एक रिवायत में मेरे आका ने बैयतुर रिजवान के इन शुरका से फरमाया लन यदखुलुन नारा मिम्मन बाया तहत शजरा और कमा काल जिसने दरख्त के नीचे मेरे हाथ पे बैयत की वो जहन्नम में नहीं जा सकता नहीं जा सकता ये सहाबा में सबसे ऊंचे दर्जे के लोग हैं बैयत रिजवान वाले ऊंचे दर्जे के लोग सबसे ऊंचे दर्जे के लोग हैं बदर वाले इनमें भी ऊंचे दर्जे के लोग हैं खुलफाए राशिदीन सबसे ऊंचा दर्जा खुलफाए राशिदीन का अबू बकर का उमर का उस्मान का अली का फिर इनके बाद दर्जा बाकी अशरा मुबशरा का एक मजलिस में हुजूर ने 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी दी थी ये ऊंचे दर्जे के अबू बकर फिल जन्ना उमर फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना अली फिल जन्ना तलहा फिल जन्ना जुबैर फिल जन्ना अब्दुल रहमान इब्न औफ फिल जन्ना सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना आपने 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी दी तो सबसे ऊंचा दर्जा खुलफाए राशिदीन का फिर बाकी अशरा मुबशरा का फिर बदरी 313 सहाबा का फिर 1450 बैयत रिजवान के शुरका का 1450 थे ये सारे सहाबा से अफजल हैं इस बैयत की वजह से 10 सहाबा मक्का में चले गए थे उन्हें मुश्रिकीन ने कैद कर लिया सहाबा ने की इस बैयत को जज्बे को वलवले को मक्के वालों ने देखा तो वो पहचान गए कि मुसलमानों के तेवर अब जंग के हो गए हैं अब हमारी खैर नहीं वो फौज शुरू हुए इससे पहले पहले वफ्त आया था बुदैल बिन वरका का ये कबीला खुदा के सरदार थे ये कबीला हुजूर से हमदर्दी रखता था ये बाद में मुसलमान हो गए बुदैल बिन वरका खुजाई कहने लगे या रसूलल्लाह ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बनी आमिर इब्ने लोई बनी आमिर इब्ने लोई को देख के लोई को देख के आया हूं वो 200 घोड़ों के साथ पानियों पर आ चुके हैं हबशी आ चुके हैं बनू सकीफ आ चुके हैं वो फैसला कर चुके हैं आपको कभी ये मक्का में घुसने नहीं देंगे लिहाजा मेरा मशवरा है आप वापस चले जाए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया मियां मेरी बात सुनो मैं जंग के लिए नहीं आया मैं लड़ने के लिए नहीं आया देखो हमारे पास कोई असला नहीं तलवारें वो भी नियाम में हम हालत एहराम में मैं बैतुल्लाह के कस्त से आया हूं मैं एक मशवरा देता हूं जाओ तुम अपनी कौम से बात करो मुश्रिकीन से बात करो कुरैशियों से बात करो तुम्हें जंग ने कमजोर कर दिया है अगर वो चाहें तो मैं उन्हें एक टाइम पीरियड देता हूं एक मुद्दत मुकर्रर कर देता हूं उसमें सुलह कर लो अमनो अमान के साथ रहो तुम हमें हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और अरब को और मुझे तुम खुला छोड़ दो अगर वो जीत गए मैं हार गया तुम्हारा मकसद पूरा अगर मैं जीत गया वो हार गए तो तुम्हें इज्जत मिलेगी या इस्लाम में दाखिल होना नहीं होना इस्लाम में दाखिल तो फिर लड़ लेना तैयारी से लड़ लेना बात माकूल थी हुजूर अलैहिस्सलाम की ये गए जब गए तो किसी ने इनसे यह ना पूछा कि आप क्या करके आए उन्हें बदगुमानी थी कि हुजूर का साथ देंगे हुजूर की हमदर्दी करेंगे एक इन्होंने कहा मेरी बात सुनो इकरमा बिन अबी जहल हकम ने कहा हमने तेरी कोई बात नहीं सुनी हम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हम नहीं घुसने देंगे एक ही रट थी सबकी जुबान पर उरवा बिन मसूद सकाफी ने कहा बात तो सुनो अगर अच्छी न लगे तो रद्द कर देना
बात तो सुननी चाहिए। हाँ कहो बुदैल क्या कहते हो। बुदैल ने कहा अल्लाह की कसम मोहम्मद लड़ने के लिए नहीं आए, उमरे के लिए आए हैं, तुम उन्हें उमरा करने दो। और उन्होंने ये पैगाम दिया है और मुझे तो ये पैगाम अच्छा लगा है। उरवा बिन मसूद सकफी ने कहा मक्के वालों एक बात सुनो मेरी, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। कहने लगे बिल्कुल, तुम मेरी औलाद की जगह हो। कहने लगे बिल्कुल। फरमाया क्या मैं तुम्हारी इमदाद के लिए उकास से लोगों को नहीं लाया। लोगों ने कहा बिल्कुल आप ले आए हैं, मुझ पर कोई शक है? कोई शक नहीं, आप हमारे खैर खां हैं। तो फिर फरमाया अगर मुझ पर कोई शक नहीं है तो मेरी बात सुनो, जो पैगाम बुदैल बिन वर्का लाया है मुझे इसमें बेहतरी लगती है, इसे कबूल कर लो, बात मान लो, मान लो बात, बेहतरी में रहोगे। और मुझे इजाजत दो मैं खुद जाके बात करता हूं। अच्छी बात है, तुम चले जाओ, तुम जाके बात करो। उरवा बिन मसूद सकफी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बस बात खत्म करता हूं, ये बात मुकम्मल हो जाए। हुजूर के पास आए उरवा बिन मसूद सकफी, आके कहने लगे मोहम्मद तुम्हें पता है मक्के वाले बाहर निकल चुके हैं, चश्मों पे पानियों पे आ चुके हैं, खैमे लगा चुके हैं, वो फैसला कर चुके हैं, औरतों और बच्चों को बाहर ला चुके हैं, किसी सूरत तुम्हें मक्के में नहीं आने देंगे। और ये जो मैं तुम्हारे साथ लोग देख रहा हूं ना, ये जो चेहरे देख रहा हूं, ये भाग जाएंगे, इन्होंने तुम्हें कोई तुम्हारा तावन कोई नहीं करना, ये भाग जाएंगे। मा उरा मिनकुम मिनहुम इल्ला औबाशा, ये चंद नऊजु बिल्लाह चंद औबाश है, और तुम गिरफ्तार हो जाओगे, कैद हो जाओगे। जब ये जुमला कहा तो हजरत अबू बकर को गुस्सा आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अमसिस बजरलात अनफिरु अनहु, ये बड़ी नंगी किस्म की गाली थी जो इस काफिर को गैरत ईमानी में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दी। लात की शर्मगाह को चूसने वाले, हम अपने नबी को छोड़ देंगे? ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ने जोश में उसे कही। पूछा ये कौन है? बताया गया ये अबू बकर है। कहता अल्लाह की कसम अगर इसका मुझ पर एहसान न होता जो इसने मुझ पर किया था तो मैं इसको जवाब देता। अबू बकर का इन पर एहसान था। ये जब हुजूर से बात कर रहा था अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के सहाबा दीवानावार हुजूर पे कुर्बान हो रहे थे, आप लुआब डालते तो सहाबा अपने हाथ में लेके जिस्म पे मार लेते, आप थूकते सहाबा जमीन पे नहीं डालने देते थे, आपने वुजू फरमाया पानी जमीन पे नहीं जाने दिया, आप मुतवज्जे होते तो लब्बैक कहते। ये हैरान हो, ये इसको जवाब था जो कह रहा था ये सारे भाग जाएंगे। सहाबा ने अमलन अपनी मोहब्बत से मोहब्बत नबी से इसको जवाब दिया। ये वापस आया और इसने आकर मुशरिकीन मक्का से कहा कि मक्के वालों मैंने कैसर के दरबार देखे, किसरा के दरबार देखे, मैं हबशे के दरबार में गया, मैंने बादशाहों को देखा, आज तक किसी बादशाह के हवारी उसके साथ इतने वफादार नहीं, मोहब्बत करने वाले नहीं, इताअत करने वाले नहीं जितने मोहम्मद के सहाबा उसके वफादार और मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह की कसम वो तो उसकी थूक को जमीन पे नहीं जाने देते, उसका लुआब जमीन पे नहीं जाने देते, उसके बचे हुए पानी को बरकत वाला समझते हैं, वो जो हुक्म करता है कुर्बान होने को तैयार है। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ उसकी बात दुरुस्त है, बात मान लो, और अगर तुमने जंग की तो बैतुल्ला की हुरमत पामाल करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। और मैं देख के आया हूं उनके साथ औरतें भी हैं, वो भाग के जाने वाले नहीं है, वो तुम्हें उड़ा देंगे, वो तुम्हें मार देंगे। अच्छा ये बात है। मिक्रज ने कहा
मैं जाता हूँ। हुजूर ने फरमाया ये गद्दार आ रहा है, इससे भी हुजूर ने ये बात की, ये भी चला गया। हबशियों का जो हबशी मुश्रिकीन के साथ थे उनका सरदार आया, हुजूर अली सलाम ने फरमाया ये कुर्बानी के जानवरों का एहतराम करने वाले लोग हैं, तुम कुर्बानी का जानवर आगे करके तलबिया पढ़ो। सहाबा ने कुर्बानी के जानवर आगे किए और जोर जोर से पढ़ना शुरू किया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये पीछे हट गया, इसने कहा अल्लाह के बंदो वो तो उम्रे के लिए आए हैं, तलबिया पढ़ रही हैं, उनके साथ कुर्बानी के जानवर हैं, ऐसे आदमी को नहीं रोकना चाहिए, इजाजत देनी चाहिए, इन्हें बैतुल्लाह का तवाफ करना चाहिए। नौजवान कहने लगे बैठ जा तुझे नहीं पता मामले का। ये गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं इतने 100 बंदे लेके आया हूं, अल्लाह की कसम मैं सबको वापस लेके चला जाऊंगा, तुमने अगर हुजूर को रोका आज तवाफ से रोका तो मैं वापस चला जाऊंगा। इन्हें ठंडा किया गया। अब सुहैल इब्ने आमर आया, जब सुहैल इब्ने आमर आने लगे तो ये भी बाद में मुसलमान हो गए थे। हुजूर ने फरमाया कद सुहिल अलैकुम अमरुकुम, मुसलमानों मुबारक हो, तुम्हारा मामला आसान हो गया तुम्हारा मामला। आगे बात चुके अभी लंबी रहती है, इंशाल्लाह अगले जुमे पूरे करेंगे इस बात को, अगले जुमे इंशाल्लाह पूरा करेंगे। हमारे एक बड़े अच्छे नात खां और बहुत अच्छे शायर हैं, मुनव्वर शाह। www.tarsquran.com